दोस्तों अगला बायसिंग सर्किट है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, जिसके लिए डायग्राम आप देख सकते हैं, कलेक्टर टू बायस बेस बायस सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर बी है जो रेजिस्टेंस है, दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, से कलेक्टर से इस तरीके लाके और बेस में कनेक्ट कर दिया, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वी ई है एमीटर पर जो वोल्टेज होगा वो आपका 0 वोल्ट है, पी टाइप बेस है वो आपका पॉजिटिव वोल्टेज पर होगा, बिकॉज आप देखें इधर से ये सप्लाई से कनेक्टेड है ये कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, वही आपका ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, तो पी टर्मिनल पॉजिटिव पर है, एन टर्मिनल 0 पर है, तुम कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव पर है। तो ये जो आपका रीजन होगा बेसिकली जंक्शन होगा वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है ना। तो बी बी इज ग्रेटर देन वी ई, देयरफॉर जे ई विल बी फॉरवर्ड बायस। उसके बाद जो ड्रॉप हो रहा है कुछ आर बी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, तो आर बी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ ड्रॉप होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कुछ कम हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज है वो कुछ आपका ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव पर ज़्यादा है पॉजिटिव पर कम है वोल्टेज, तो इसकी वजह से ये जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस होगा। तो ये हमने लिखा है कि वी सी इज ग्रेटर देन वी बी, देयरफॉर जे सी विल बी रिवर्स बायस। अब यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ से जो ड्रॉप होके आ रहा है उसके बाद यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इससे तो यही वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप जाते हैं तो आर बी की वजह से कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज में कुछ, क्योंकि यहाँ आर सी आ रहा है इसकी वजह से वोल्टेज कुछ कम होगा ज़्यादा होगा, आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस वजह से आपका जो एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए यही रिक्वायर्ड होता है, एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, तो इसलिए ये कंडीशन मीट हो रही है। हम कह सकते हैं जो सर्किट है हमारा वो बायस्ड है फॉर द एक्टिव मोड। इस सर्किट के लिए कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर टर्म होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर वो आता है आपका 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम आर सी की वैल्यू बढ़ाते हैं, आर सी बढ़ाया जाएगा तो ये, और आर सी यहाँ पर भी है, आर सी आपने अगर बढ़ाया तो इसकी वजह से ये टर्म बढ़ जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर घट जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आर बी की वैल्यू अगर आप कम करते हैं, इसकी वैल्यू कम करेंगे तो पर्टिकुलर ये जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो एस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई चूजिंग अ वैल्यू ऑफ आर सी, अ हायर वैल्यू ऑफ आर सी, द स्टेबिलिटी फैक्टर कैन बी मिनिमाइज। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो हम आर सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं, इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता है और हम इस बायसिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आर सी की वैल्यू कम होगी तो इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट हम ड्रॉबैक में ऐसे बताएंगे। और ये जो बेस टू बायस सर्किट है ये एक एग्जाम्पल भी है स्टेबलाइजेशन टेक्निक का। स्टेबलाइजेशन टेक्निक बेसिकली क्या होता है, इस टेक्निक में जो कलेक्टर करंट में चेंज होता है वो अपने आप कंपनसेट हो जाता है बाई चेंज इन द बेस करंट, तो उसकी वजह से अपने आप स्टेबलाइज कर देता है, जो कोई चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है या और किसी वजह से चेंज हो रहा है तो उसे ये अपने आप स्टेबलाइज कर देता है, इस वजह से इस बायस सर्किट को हम स्टेबलाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी ड्रॉबैक की हम बात करते हैं कि सर्किट का ड्रॉबैक क्या है। ये जो बायसिंग टेक्निक है मैंने बताया, इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी जब भी इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा और इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में आर सी की जगह यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, और रेजिस्टेंस इसका 0 हो गया तो इसकी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो गड़बड़ हो जाएगा और इसका परफॉर्मेंस सर्किट का बेटर नहीं आएगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक है जो रेजिस्टेंस आर बी है
जो कि आउटपुट नोड पर कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस आर भी है, आपका आउटपुट नोड है बेसिकली। यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, एम्पलीफायर में आपने देखा होगा यहाँ पर आउटपुट लिया जाता है, उस जगह पर इनपुट अप्लाई किया जाता है कुछ। तो आर भी है वो आउटपुट पर कनेक्टेड है और फिर वापस इनपुट पर कनेक्टेड है। इसका मतलब एक फीडबैक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और वो नेगेटिव फीडबैक होता है। तो इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो कम हो जाता है। तो ये बेसिकली दो इसमें ड्रॉबैक हैं। ये वाली ड्रॉबैक आप रिमूव कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग बाईपास कैपेसिटर। हियर वी कैन कनेक्ट वन बाईपास कैपेसिटर। नाउ वी कैन टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। Let's take one example. In the circuit shown, transistor has beta is equal to 60, VV is 0.7, and we have to find the operating point. First of all, इसमें हमें करेंट मार्क करने होते हैं। कोई भी सर्किट आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप करेंट मार्क करिए, उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसके अक्रॉस उन्हें आप मार्क करिए। मेरे को मालूम है यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा वी बी ई, जिसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है। यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम बोलते हैं वी सी ई। यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा आई सी, यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा आई। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो करंट होगा वो आपका होगा आई बी प्लस आई सी, बिकॉज इस जगह पर जो करंट होगा इस टर्मिनल में वो आईसी करंट होगा। आपको यहाँ पे आईसी नहीं मार्क करना है, यहाँ पर आपने आईसी मार्क कर दिया क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को हम ओपन मान सकते हैं, इसे ओपन मानेंगे तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का कोई यूज नहीं है फॉर डीसी एनालिसिस, तो ये पोर्शन कट जाएगा। तो सिंपल आपका इतना सर्किट है, ये आपको सॉल्व करना है। आपको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब आप जानते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट पूछ रहा है, इसका मतलब आपको निकालना है वी सी ई एंड आई सी, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आई सी आपको फाइंड आउट करना है, मैंने बताया था आई सी फाइंड आउट करने के लिए आप जो इनपुट लूप हैं उसमें केवीएल लगाइए, जैसे आप आई वी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आई वी निकाल लेंगे तो फिर जो फॉर्मूला है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई वी, उसे आप आई सी निकाल सकते हैं। तो पहले हम आई वी निकालेंगे, अप्लाई KVL इन इनपुट लूप। इनपुट लूप में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, अपने यहाँ से इस तरीके से KVL अप्लाई करना है। तो माइनस 12 देन जैसे प्लस माइनस आई बी प्लस आई सी है, मैं इसे लिख सकता हूँ आई बी बीटा आई बी, ये हो गया आपका 1 प्लस बीटा आई बी। तो इसे हम लिखेंगे प्लस 1 इन टू 1 प्लस बीटा, बीटा इज गिवन 60, तो 60 प्लस 1 61, 61 आई बी। उसके बाद इधर आएंगे प्लस, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा माइनस होगा साइन, बिकॉज करेंट इधर से एंटर कर रहा है। इस तरीके से आप पहले मार्क कर लेते हैं, प्लस 53 इंटू आई बी देन प्लस वी बी ई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है कुछ नहीं, इक्वल टू जीरो। आपको आई बी का टर्म एक जगह कर लेना है, तो आई बी आपका हो जाएगा 114 आई बी, वी बी आपको पता है 0.7 है, आपका हो जाएगा 12 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 11.3। IB is equal to 11.3 upon 114, which is equal to 0.099 milliampere. This is the value of IB. IB आपका आ चुका है 0.099 milliampere. आप इसे सेलेक्ट कर देंगे। IC हम जानते हैं IC is equal to beta IB. Beta is 60 into IB is 0.099 milliampere, so it comes
5.94 मिली एम्पियर। आईसी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें निकालना है VCE। तो VCE फाइंड आउट करने के लिए जो आउटपुट लूप है उसमें हमें KVL लगाना होगा। नाउ अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप, आउटपुट लूप में KVL लगाइए। -12 इसकी वैल्यू आपको पता है, 1 प्लस बीटा आईबी 61 आईबी टू आईबी प्लस VCE इज इक्वल टू 0। आपको VCE निकालना है, IB की वैल्यू आपको पता है, मैं लिख सकता हूँ VCE इज इक्वल टू 12 माइनस 61 इंटू IB है 0.099 विच कम्स इक्वल टू 5.95 वोल्ट। VCE हेंस द ऑपरेटिंग पॉइंट, हेंस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज, इस तरीके से आपको इसे लिखना होता है, VCE पहले लिखा जाएगा 5.95 वोल्ट कॉमा IC की वैल्यू आपको लिखना है 5.94 मिली एम्पियर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हो, तो उस केस में कोई करंट की वैल्यू दी होगी, आपको ऑपरेटिंग पॉइंट दिया होगा, उस केस में इस सर्किट को डिजाइन भी करवा सकता है। तो डिजाइन करने के लिए सिर्फ आपको जो बायसिंग नेटवर्क है वही आपको ड्रॉ करना है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट बायसिंग सर्किट में निकाला था क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं।